से आपको। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन सा सोयल अच्छा होता है, एसिडिक सोयल अच्छा होता है या बेसिक सोयल अच्छा होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और ये आपको डाउट होना भी चाहिए कि क्या अच्छा है एसिड। अगर हमारा एसिडिक सोयल, अगर पीएच हमारा पीएच मीटर बता रहा है कि हमारा सोयल एसिडिक है तो वो अच्छा है, या ये 7 से ऊपर जा रहा है बेसिक सोयल वो अच्छा है, या सोयल अगर न्यूट्रल है 7 आ रहा है आपका पीएच मीटर पर वैल्यू तो वो अच्छा है। तो इसका आंसर हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे सबसे अच्छे पीएच मीटर के बारे में, पर उससे पहले हम आपको बताएंगे कि पीएच मीटर की आवश्यकता क्या है और क्या हमें सच में ज़रूरत है किसी पीएच मीटर की, और पीएच जो हमारी मिट्टी का पीएच है वो कितना इफेक्ट करता है हमारे प्लांट्स में, यानी कि प्लांट्स के ग्रोथ हैबिट में, प्लांट का वेट, प्लांट का फ्लावरिंग, प्लांट का फ्रूटिंग, प्लांट के फ्लावर में पोलन ग्रेन्स, इन सभी चीज़ों पर कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है पीएच जो हमारा सोयल है। तो इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी पर्याप्त रूप से प्राप्त हो सके। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा एक निवेदन है कि जो भी दोस्त हमारे से नया जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि जानकारी बहुत अच्छी मिली है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करके जाएं, और वीडियो अगर आपको अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक अवश्य करें। तो दोस्तों, और ना देरी करते हुए चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। क्या होता है पीएच? पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल में 1 से 14 तक संख्याएं होती हैं, और 1 से 7 तक पीएच स्केल एसिडिटी को दर्शाता है, जबकि 7 न्यूट्रल का मानक है, और 7 से जब ऊपर जाते हैं हम 14 तक तो वो हमें कितना सोयल हमारा बेसिक है, बेसिसिटी कितना है वो दर्शाता है। चलिए दोस्तों, अब अच्छे से पीएच मीटर को भी समझ लेते हैं। पीएच मीटर में आपको 3 लाइन देखने को मिलेगा, जिसमें से 2 लाइन कर्व हैं और 1 डॉटेड लाइन है, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाली लाइन है व्हाइट कलर की, ये जो कर्व लाइन है ये दर्शाता है हमें कि सनलाइट कितना है, ठीक है। आपको सबसे नीचे एक पॉइंटर दिख रहा होगा, जो बटन आपको उसमें 3 पॉइंट है, ठीक है, उसको आप राइट लेफ्ट कर सकते हैं। मिडिल में जब रहता है लाइट को दर्शाएगा कि आपके उस एरिया में कितना सनलाइट आता है, और बिल्कुल राइट में पीएच दिखाएगा कि आपका सोयल का पीएच एसिडिक है या बेसिक है, और बिल्कुल लेफ्ट में जो है वो आपका मिट्टी का मॉइस्चर को बताएगा कि आपका जो सोयल उसमें पानी की मात्रा को दर्शाएगा। तो सबसे ऊपर की जो कर्व लाइन है व्हाइट लाइन, वो हमें बताता है कि सनलाइट कितनी है। राइट साइड जैसे जाएंगे हम, तो सबसे राइट साइड में जहाँ पे 9-10 दिख रहा होगा उसके ऊपर लाइट लिखा हुआ है, तो 9-10 का मतलब है कि सनलाइट आपकी प्रॉपर आ रही है, 5 का मतलब नॉर्मल है, और रेड लाइन में आ गया मतलब आपका जो प्लांट है उसमें सनलाइट प्रॉपर नहीं आ रही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मॉइस्चर डिपार्टमेंट में, यानी कि सेकंड लाइन, जो कि सेकंड कर्व लाइन में हम आप देख सकते हैं रेड ग्रीन और ब्लू लाइन से दर्शाया गया है वो कर्व लाइन। उसमें आपको दिखेगा कि 1 से 10 तक नंबर दिया गया है, जैसे जैसे नंबर आपका बढ़ते जाएगा, अगर आपका जो पॉइंटर है पीएच मीटर का वो जैसे जैसे 8, 9, 10 आगे बढ़ते जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो आपका सॉइल है उसमें प्रॉपर मॉइस्चर है, ठीक है। और अगर रेड लाइन में है, इसका मतलब ये है कि आपका जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर की कमी है, आपको उसमें पानी डालने की ज़रूरत है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे नीचे जो डॉटेड लाइन है वहाँ पर आते हैं। तो ये जो लाइन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो लाइन है वो हमें बताता है कि हमारा जो सॉयल है उसमें कितनी एसिडिक है, या बेसिक सॉयल है या अल्कलाइन सॉयल है, ठीक है। अगर हम राइट साइड की बात करें, जिधर 4, 3.5 आपको दिख रहा होगा, अगर आपका जो पीएच का पॉइंटर है इस साइड है तो आप देख सकते हैं कि वो आपका जो सॉयल है आपका वो एसिडिक सॉयल होगा, और अगर 7 के पास आ रहा है तो 7 मतलब आपका जो सॉयल है वो न्यूट्रल है, और 7 से अगर आगे जा रहा है लेफ्ट साइड में, इसका मतलब आपका जो सॉयल है वो बेसिक या अल्कलाइन है, ठीक है। और जो सबसे अच्छा आइडियल सॉइल माना जाता है वो 6.5 से 7.5, और 6.5 से 6.8 तक सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे मात्रा में अवेलेबल रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं पौधों के लिए, और उस पीएच पर जो सभी पौधे होते हैं वो अच्छी प्रकार से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अपटेक कर पाते हैं या एब्जॉर्ब कर पाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको पीएच मीटर के बारे में सारी जानकारी आ चुकी होगी। जो पीएच है सॉइल का वो बढ़ते जाएगा, यानी कि ज़्यादा एसिड होते जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में बात करें तो जब भी हमारा पीएच स्केल में पीएच मीटर 1 से 6.9 तक या 1 से 6.9 तक नोट करता है, तो नो डाउट वो जो हमारा सॉयल होता है वो एसिडिक है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर पीएच मीटर कहीं पे 1 आ रहा और कहीं पे 6 आ रहा, तो सबसे ज़्यादा एसिड क्या कौन होगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा जो हमारा पीएच मीटर 1 नोट करेगा अपना पीएच मीटर पर। जब भी पीएच मीटर 7 को दर्शाता है, यानी कि आपका जो सॉयल है ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, वो है न्यूट्रल। और 7 से 14 तक जो हमारा पीएच मीटर है वो बेसिसिटी को दर्शाता है कि सॉयल में कितना बेसिसिटी है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते
जाएंगे वो उतना ही जो सॉयल है वो उतना बेसिक होता जाएगा। मान लेते हैं कि पीएच मीटर हमारा 7 है किसी मिट्टी पर, और एज कम्पेयर टू जहाँ पर पीएच मीटर हमारा 14 है, तो जहाँ पर पीएच मीटर 14 है वो सबसे ज़्यादा बेसिक सॉयल होगा एज कम्पेयर टू जहाँ पर पीएच 7 या 7 नहीं 7 से ज़्यादा दिख रहा होगा 8-9 ऐसे आ रहा होगा, क्योंकि 7 तो न्यूट्रल होता है। तो पीएच मीटर में जब भी वैल्यू 8, 9, 10 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही हमारा जो सॉयल का जो पीएच है वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होता जाएगा। ये उस पीएच मीटर के द्वारा दर्शाया जाएगा इस प्रकार से आपको। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन सा सॉयल अच्छा होता है, एसिडिक सॉयल अच्छा होता है या बेसिक सॉयल अच्छा होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ये आपको डाउट होना भी चाहिए कि क्या अच्छा है एसिड, अगर हमारा एसिडिक सॉयल, अगर पीएच हमारा पीएच मीटर बता रहा है कि हमारा सॉयल एसिडिक है तो वो अच्छा है, या ये 7 से ऊपर जा रहा है बेसिक सॉयल वो अच्छा है, या सॉयल अगर न्यूट्रल है 7 आ रहा है आपका पीएच मीटर पर वैल्यू तो वो अच्छा है। तो इसका आंसर हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। आपके सॉयल का जो पीएच है वो कितने जगह पर इफेक्ट करता है, यानी कितने जगहों पर प्रभावित है, ये आपको जानना चाहिए। आपका जो सॉयल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज़ होते हैं, साथ ही आपका जो न्यूट्रिएंट्स है सॉयल में वो सॉल्यूबल होगा या नहीं, या उसकी अवेलेबिलिटी कैसी रहेगी, ये सारा चीज़ जो है पीएच के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। साथ ही इससे आगे बढ़कर बात करें तो हमारा जो पीएच अच्छा है या ख़राब है जितना भी है वो इस पर डिपेंड करता है कि हमारा पौधा कौन सा है, क्योंकि हर एक पौधा एक अलग अलग पीएच वैल्यू का डिमांड करता है, यानी कि अलग अलग पीएच वैल्यू पर उनकी जो ग्रोथ हैबिट है, उनका जो फ्रूट प्रोडक्शन है, उनका जो पौधा का वेट है, उनका जो लीफ का साइज है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल को ऐसा सॉइल चाहिए जहाँ पर पीएच वैल्यू 5.5 से 6.5 हो, यानी कि स्लाइटली एसिडिक मान सकते हैं हम। तो ऐसा सॉइल जहाँ पर होगा तो वहाँ पर वो अच्छा ग्रो होता है। और कुछ कुछ ऐसे ही प्लांट्स हैं जो कि ज़्यादा बेसिक सॉइल में अच्छे ग्रो कर पाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो पौधा है वो क्या लगा रहे हैं आप, क्योंकि हर एक पौधे की अलग अलग डिमांड्स होती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो स्लाइटली एसिडिक सॉइल ही पसंद करते हैं। अगर हम ब्लूबेरी की बात करें तो ब्लूबेरी एक ऐसा पौधा है जिसको काफ़ी ज़्यादा एसिड चाहिए होता है, यानी कि उसको एसिडिक सॉइल काफ़ी अच्छा लगता है, वो एसिडिक सॉइल में ही अच्छा ग्रो कर पाएगा और अच्छा फ्रूटिंग कर पाएगा। अगर उसका जो पीएच वैल्यू है वो 4.5 से 5.5 इसी आसपास रहता है तो वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है और फ्रूटिंग भी देता है। लेकिन एज कंपेयर करें अगर एप्पल की, तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कम एसिडिक चाहिए होता है, यानी कि 6.5 इस आसपास रहता है, तो काफ़ी अच्छा जो एप्पल प्लांट का ग्रोथ है वो अच्छा होता है। उसके फ्लावर में पोलन ग्रेन्स की अधिकता रहती है, उसके सेब के जो पत्ते हैं वो अच्छे आ पाते हैं। और आप कहेंगे कि पोलन ग्रेन्स पर भी ये इफेक्ट करता है, जी हाँ दोस्तों, पीएच का जो हमारा वैल्यू है वो एप्पल के जो फ्लावरिंग होती है उसमें पोलन ग्रेन्स का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स रहेगा तभी पोलिनेशन हो पाएगा और तभी हमारे पौधे पर फ्रूट सेट हो पाएंगे। और अगर पोलन ग्रेन्स का ही डेवलपमेंट कम होगा, तो अगर आपका जो प्लांट जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पर अगर ये जो पीएच की वैल्यू है वो नहीं पहुँच पाती है, तो उसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इतने अच्छे से नहीं आएंगे आपके पौधे पर, जिससे आपकी फ्रूटिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। साथ ही किसान भाइयों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे कुछ ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे पौधों को ज़रूरत होती हैं, अगर उनका मीडियम हल्का स्लाइटली एसिडिक कर देते हैं तो वो और अच्छे प्रकार से सॉल्यूबल हो पाते हैं और अच्छे प्रकार से प्लांट में एब्जॉर्ब हो पाते हैं। बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनकी उपलब्धता उस पर निर्भर करती है कि उस सॉइल का पीएच कितना है। एक आइडियल सॉइल का जो पीएच है वो होना चाहिए 6.5 to 7.5, मतलब स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली बेसिक। अगर स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली अल्कलाइन होता है तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है, उस पीएच पर सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल हो पाते हैं पौधों के लिए, और प्लांट्स बहुत ही अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर पाते हैं, ले पाते हैं अपने अंदर। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पौधों को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होते हैं, और इसीलिए इसका नाम होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि सॉयल के पीएच से कितना ज़्यादा ये प्रभावित होते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ये ऐसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं पौधों के लिए जो कि कम प्रभावित होते हैं एज कम्पेयर टू अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या अदर न्यूट्रिएंट्स, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभावित जरूर होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या प्रभावित हो जाता है। फॉस्फोरस डायरेक्टली प्रभावित हो जाता है जब भी पीएच 7.5 से ऊपर जाता है, यानी कि वो बेसिसिटी के ऊपर बढ़ जाता है। जो हमारा आइडियल पीएच है वो है 6.5 to 7.5, लेकिन जैसे ही हमारा जो सॉइल का पीएच है वो 7.5 से ऊपर जाता है वैसे ही फॉस्फोरस जो है उस पर रिएक्ट करने लगता है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने शुरू हो जाता है। बेसिक या अल्कलाइन सॉइल में जो फॉस्फोरस है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम से मिल रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेता है जो कि इनसॉल्युबल होता है और जिसे प्लांट अपटेक नहीं कर पाते हैं, और वो
घुलनशील नहीं हो पाता है। जब हमारा जो सॉयल का पीएच है वो एसिडिक हो जाता है तब फास्फोरस एल्यूमिनियम और आयरन दोनों के साथ रिएक्ट करके एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो भी लेस सोल्यूबल होता है यानी कि कम घुलनशील होता है। चलिए अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर ली है तो थोड़ा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमेशा स्लाइटली एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं यानी कि जब हमारा पीएच का जो वैल्यू है जो हमारा सॉइल का पीएच है वो 6.5 से 6.8 तक रहता है तो उस समय सबसे जो अधिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं मिट्टी में और सॉइल और प्लांट जो है उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हैं एक्सेप्ट मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो कि स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल में प्रेजेंट होता है ना कि स्लाइटली एसिडिक सॉइल में। दोस्तों थोड़ा सा ज्ञानवर्धक बातें थोड़ी और कर लेते हैं कि आखिर कैसे ऐसे सॉइल एसिडिक होता है और कैसे सॉइल बेसिक या अल्कलाइन हो जाता है। दोस्तों जब भी हमारे पास एच प्लस आयन की अधिकता होती है यानी कि एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन हमें बताता है कि सॉइल कितना एसिडिक है और OH नेगेटिव आयन की अधिकता हमें बताता है कि सॉइल बेसिक है या अल्कलाइन है। तो एच प्लस आयन कब होता है? देखिए दोस्तों हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही प्रोटॉन्स होता है। तो जब भी हमारा एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कि हम मानते हैं कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पाया जाता है, तो मान लेते हैं कि उसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है किसी माध्यम से, वो अब तरीका नहीं बताने जा रहे हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो उसमें एक प्रोटॉन बच जाता है। तो वो पहले जो एक न्यूट्रल अवस्था में था, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अब क्या हो गया, एक हमारा नेगेटिव चल गया तो हमारे पास बचा एक पॉजिटिव, जिस कारण से वो हाइड्रोजन जो है H प्लस आयन के फॉर्म में प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो इस कारण से हम बताएंगे कि जितना इस प्रकार से H प्लस आयन की अधिकता होगी वो हम बताएंगे कि उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा सॉइल। और OH नेगेटिव आयन भी इस कुछ इस प्रकार से होता है कि जब OH नेगेटिव आयन हो जाता है ज़्यादा तो उसमें हम बताते हैं कि वो सॉइल अल्कलाइन है या बेसिक सॉइल है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपके पास जो ये पीएच मीटर है जिसको ये हमने दिखाया है, इस पीए ये जो पीएच मीटर है आपके पास अवश्य होना ही चाहिए क्योंकि जब भी आप एग्रीकल्चर में काम करते हैं खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि आपने पूरे वीडियो के माध्यम से हमने आपको यही बताने की कोशिश की है कि पीएच कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि पीएच कितना है, उसको पीएच कैसे मेंटेन करना है, हमें इन सारी चीज़ों को जानना हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसे आपको ये जो पीएच मीटर है आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है और आप इसको जरूर रखें अपने पास। जिस तरीके से युद्ध लड़ने के लिए हमें तलवार गोली बारूद ये सब का जरूरत होता है, इस प्रकार से हमें अच्छी खेतीबाड़ी करने के लिए हमारे पास ये पीएच मीटर होना ही चाहिए क्योंकि पीएच बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे फ्लावरिंग फ्रूटिंग हर चीज़ पर हमारे। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को खरीदें या पीएच मीटर को खरीदें तो इसका जो लिंक है अमेजन का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और अगर आप उस लिंक द्वारा इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो ये बहुत ही आसान तरीका होगा, आप हमें उस प्रकार से हेल्प भी कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं और अपना प्यार जता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप उस लिंक के द्वारा उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो इससे जो है अमेजन उस प्रोडक्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव देता है और साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ये ना सोचें कि अगर आप हमारे दिए गए लिंक द्वारा अगर जाते हैं तो उसमें प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं भी जाते हैं हमारे लिंक द्वारा और डायरेक्ट भी ऐसे खोजते हैं प्रोडक्ट मिलता है आपको तो भी आपको सेम दाम ही देखने को मिलेगा, प्राइस में कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन अगर आप हमारे द्वारा लिंक द्वारा जाएंगे प्रोडक्ट के पास तो हमें जरूर कुछ ना कुछ उससे इंसेंटिव मिलेगा दोस्तों अमेजन द्वारा। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लिंक द्वारा ही परचेज करें पीएच मीटर को तो इस प्रकार से हमें अपना प्यार जता सकते हैं और बता सकते हैं कि आप हमें इस प्रकार से हेल्प भी कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं क्योंकि आपकी जो भी सोच है हमारे ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्योंकि आपके लिए ही वीडियो बनाया जाता है और आप प्यार करेंगे तो हम और भी इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए लाते रहेंगे और इसी तरह आप अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें। जय। और हाँ, अगर अभी तक आपने इतने प्यार से इस वीडियो को देख ही लिया है तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे यूट्यूब पर ये ज्ञानवर्धक जो बातें हैं इसके लिए आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों, यह लाइक हमारे लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन काम करती है इसी प्रकार के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसी बात के साथ मिलते हैं अगली वीडियो पर अन्य इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। धन्यवाद।
congratulations.